नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूँ आपके साथ प्रीति शर्मा। सोनकच्छ उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की रूपरेखा बनाई जाती है। माता पिता की आशाओं पर खरा उतरना हर बच्चे का कर्तव्य होता है, उन्हें निराश मत होने देना। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। शिक्षक का सिर गर्व से ऊंचा होना चाहिए, उसे तुम्हारा चेहरा याद हमेशा रहना चाहिए कि जैसे मैंने पढ़ाया था आज वो जीवन की नई मंजिलें पा रहा है। यही जीवन का सच्चा पुरस्कार और शिक्षक की सच्ची दक्षिणा है। उक्त बात लोनीवी व पर्यावरण विभाग मंत्री व क्षेत्र विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने उत्कृष्ट विद्यालय के भगवान सिंह राजपूत खेल परिसर में आयोजित वार्षिक उत्सव में कही। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में चोर लुटेरे डाकू हत्यारे पैदा किए हैं। हर हत्याकांड के पीछे भाजपा का घिनौना चेहरा सामने आ रहा है। हर हत्याकांड के पीछे तो RSS या BJP का कोई ना कोई कार्यकर्ता पकड़ में आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगा रही है कांग्रेस की सरकार पे, लैंड ऑर्डर पे। उन्होंने धरना भी दिया पूरे मध्य प्रदेश में, जबकि उन्हीं के लोग पकड़ा रहे हैं। ये शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज सिंह जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई। अरे शिवराज चौहान में दमी नहीं है, क्या प्रतिक्रिया देगा? 15 साल में क्या पैदा किए? हत्यारे लुटेरे डाकू चोर, क्या प्रतिक्रिया देगा? कुत्ते आदमी पकड़ा है ना फिर रतलाम में, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग ही हत्या कर रहे हैं और वही हत्या कर रहे हैं। और भाई कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, तुम ही लॉ एंड ऑर्डर खराब करके घिनौना षड्यंत्र कर रहे हो। इस प्रदेश की जनता को कभी तुमने कभी सुख नहीं दिया। हिंदू मुसलमान में बांटा, मजहब के नाम पर बांटा। ये बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, अब हमारे इसमें रुका है। सोनकच्छ से योगेश ओझा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।